आप देख रहे हैं हादिस न्यूज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ दुर्रे समीन। पेशे खिदमत है आज की अहम तरीन खबरें। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, पीडीएम का आज बन्नू में अवामी ताकत का मुजाहरा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा, कारकुनों की शिरकत, फजलुर रहमान और दीगर कायदीन का जलसे से खिताब। पीडीएम का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात का तहफ्फुज़ है, वजीर आजम के होते हुए इन्हें एनआरओ कभी नहीं मिलेगा। अवाम बेमकसद एहतजाज से ला ताल्लुकी कर चुके हैं, किसी को तरक्की के सफर में रखना डालने नहीं देंगे, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश, नैब के गवाह इब्राहिम का बयान कलम बंद, 13 बरस बाद रेफरेंस दायर करना बदनीयती है, कौमी खजाने की ईमानदारी से हिफाजत की, लीगी सदर की गुफ्तगू, समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बसों का गैर कानूनी ठेका दिया, करप्शन बेनकाब करने पर मनपसंद कंपनी ने केस कर दिया, वजीर आजम के हुक्म पर अवामी पैसे को बचाया जा रहा है, शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी, गाड़ी पर हमला किया गया, मावन खुसूसी का इल्जाम। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मच के शोधों को खिराज अकीदत, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, शोधा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, भारतीय मुजालिम का मुकाबला करते कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 52 अफराद जाँ बहक, अब तक 10,461 अमवात, 2,118 नए मरीज रिपोर्ट, मौलिक वायरस से 4,92,594 शहरी मुतासिर, एक्टिव केसेस की तादाद 37,740 तक पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर से निमटने के लिए इकदामात, पिशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 कमर्शियल इमारतें सील, बाजारों और दुकानों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, इंतजामिया की हिदायत। छोटे प्लॉट्स पर भी 6 से 7 मंजिलों की तामीर, कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक न सका, गुलबर्ग, नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची, जमशेद टाउन में भी गैर कानूनी बिल्डिंग्स की भरमार, शिकायत रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं, शहरियों का शिकवा। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन, महमूदाबाद नाले के अतराफ में 3रे रोज भी ऑपरेशन, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, मकानात के इजाफी हिस्से मिसमार। रवा माली साल महंगाई की शरह में 7 से 9% इजाफे का खदशा, तरसीलात जर 25 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान, मुल्की बरामदात 24 अरब और दरामदात 44 अरब तक रहने की उम्मीद, स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर में जलथल 1, नशेबी इलाके जेरे आब, वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेश गोई, आजाद कश्मीर, मरी, गिलियात और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी। FM Hadis was available on Play Store. Download now. This news update brought to you by FM Hadis, the voice of Seoul.